सरगुजा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कटिंदा के सरपंच सचिव की लापरवाही सामने आई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चित्र वाला रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, वन अधिकार पट्टा संबंधित अन्य दस्तावेज अध जिले पंचायत भवन प्रांगण में मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा सरपंच और तहसीलदार को दी गई, जिसके बाद नायब तहसीलदार आईसी यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। राशन कार्ड, रोजगार गारंटी कार्ड, वन अधिकार पट्टा से संबंधित जमा फॉर्म सहित अन्य शासकीय दस्तावेज अजले पाए गए। इसके संबंध में सरपंच सचिव से पूछताछ की, दस्तावेज जलाने को लेकर अनुमति के संबंध में पूछताछ की गई, जिस पर सरपंच सचिव ने अनुमति नहीं होने की बात कही। सभी अजले दस्तावेजों को बोरे में भरकर पंचायत भवन में रखवाया गया, पंचनामा तैयार किया गया। अग्रिम कार्यवाही के लिए तहसीलदार गरिमा ठाकुर को पत्र पंचनामा प्रेषित किया गया। गांव के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सरपंच सचिव की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है जो निंदनीय है, इस पर जांच होनी चाहिए, इस कृत्य के दोषियों पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात तो यह है कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। कुछ सामान साफ सफाई करें लेकिन बाहर है भी राशन कार्ड वहाँ फार्म भरे रही वो सब रही तो जेल गई वहाँ। आप ये बता दीजिए ये जो जला तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब यहाँ और इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? किसको मानेंगे आप? सचिव और सरपंच को तो माना जाएगा। ठीक, मामला रहा जो भीड़ इकट्ठा हुई थी कार्ड और तो फिर किसके पास रहती जी? इसके पास रहती है कटाई का कार्य और लगता है आपको कि इसको किसके द्वारा जलाया गया? जानकारी नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे? डॉक्यूमेंट्स इसमें रहा और जॉब कार्ड जो वन अधिकार जो भरे थे रिजेक्ट वाला वो था।